नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एलटी की जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 21 सितंबर 2021 की न्यूज है। आज कि इस वीडियो पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है इसको भी जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंचे। आप उत्तराखंड की जो भी न्यूजेज होते हैं, चाहे बेरोजगारी से संबंधित हो, चाहे आपका किसी भी एग्जाम के अपडेट से हो, या कोई भर्ती सूचना हो, उससे आप तुरंत अपडेट रहेंगे। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड वहाँ पे 4.9 यानी कि 4,900 से ज्यादा मेंबर हो चुके हैं। जल्दी ही 5,000 का आंकड़ा क्रॉस करने वाला है। तो आप सभी लोग उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगामी 746 जो पद हैं आपके कनिष्ठ सहाय के, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सीरीज चलाई जा रही है। आज 34वां पार्ट आ चुका है 8 बजे, इसको भी जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मैम लेके आ रही है तो इसको जरूर देखिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल आपका पीडीएफ मैंने जो डाउनलोड करके रखी है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ये है पीडीएफ, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोगों को पूरा अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो देखिए ये है आपका 21 सितंबर 2021 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2018 को माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं कल्याण जनजाति विभाग एवं जनजाति कल्याण विभाग के विभिन्न विषयों के सहायक अध्यापक, जिनको एलटी पद कोड जो था आपका 87 एवं पद कोड 107 की लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। कब किया था ये 21 जनवरी 2018 को। उक्त परीक्षा के आधार पर जनजाति कल्याण विभाग के सहायक अध्यापक एलटी में हिंदी विज्ञान अंग्रेजी गणित संस्कृत गृह विज्ञान कला व्यायाम पद कोड 107 विषय के अभिलेख सत्यापन हेतु तृतीय औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यानी कि इसकी थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लिस्ट है वो निकाली गई है, वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। और इसमें देखिए अभिलेख जो सत्यापन है वो आपके 21 अक्टूबर से आयोग के कार्यालय में किया जाना है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे और भी चीज है कि आपको देखिए यहाँ पे अतः उक्त विषयों में चयनित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने समस्त वांछनीय मूल अभिलेख सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं व्यवसाय व अन्य प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में अंकित किए गए थे उसकी 2 स्वप्रमाणित यानी कि उसकी जीरोक्स कॉपी लेकर जानी है आपको, सेल्फ अटेस्टेड, और 6 आपके पास पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ दिनांक 21 तारीख को 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में आपको उपस्थित होना है। ध्यान देगी आयोग की जो वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्न है तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इन पे एक टर्म एंड कंडीशन ये दे रखी कि आप सभी जो अभ्यर्थी हैं मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करेंगे, पालन करेंगे। देखिए जो आपकी थर्ड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है वो डाली गई है उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, आप इसको भी देख लीजिए। इनमें जिन जिन लोगों का नाम है उन सभी को स्टडी विद एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों का चयन, जिनका भी चयन हो चुका है, विश यू ऑल द बेस्ट आपको स्टडी विद एम की ओर से। ये जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चाहें तो वहां से भी इसको सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की जैसे कला है, कला में अलग अलग है यहाँ पे, तो इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं। अलग अलग चीजों की इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है उनको जारी किया गया आयोग के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो देखिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग बिल्कुल नए हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग हमारे चैनल को स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।